ଯବାନଙ୍କ ବଳିଦାନ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ। ଗଲୱାନ ଘାଟିରେ 20 ଜଣ ଭାରତୀୟ ଯବାନ ଶହୀଦ ହେବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ କଡ଼ା ଛେଦ। ଲଦାଖରେ ଭାରତ ଚୀନ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବିବାଦକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯବାନମାନେ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ଯିବ ନାହିଁ। ଏହା ସହ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମ ଯବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ମାରିବାକୁ ଯାଇ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଦେଶବାସୀ ଭରସା ରଖିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ମୋଦି। ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଭାରତ ସବୁବେଳେ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ବିକାଶ ଓ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭାରତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛି। ମତଭେଦ ଯେମିତି ବିବାଦରେ ପରିଣତ ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭାରତର ପ୍ରୟାସ ରହିଆସିଛି। हमने हमेशा से ही अपने पड़ोसियों के साथ एक कोऑपरेटिव और फ्रेंडली तरीके से मिलकर काम किया है। हमेशा उनके विकास और कल्याण की कामना की है। जहां कहीं हमारे मतभेद भी रहे हैं हमने हमेशा ही ये प्रयास किया है कि मतभेद विवाद न बने, डिफरेंसेस डिस्प्यूट्स में न बदले। हम कभी किसी को भी उकसाते नहीं हैं। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। भारत केबे भी कौनसी देश को उस्काए नहीं, किंतु आम देश रे अखंडता एवं सार्वभौमत्व उपरे देश केबे भी सालिस करिवो नहीं बोली कड़ा स्वर रे कहिछंती प्रधानमंत्री। देश रे अखंडता और एकतार रक्षा पई भारत सरकार सबुबेले शक्ति प्रदर्शन करि आछंती। ତ୍ୟାଗ ଓ ତପସ୍ୟା ଆମ ଚରିତ୍ରର ଏକ ଅଂଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିକ୍ରମ ଓ ବୀରତା ଆମର ଚରିତ୍ରରେ ରହିଛି। ଯଦି ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ କେହି ଆକ୍ରମଣ କରେ ଆମକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ହମ୍ ଆପଣେ ଦେଶ କି ଅଖଣ୍ଡତା ଔର ସମ୍ପ୍ରଭୁତା କେ ସାଥ ସମଝୌତା ବି ନହିଁ କରତେ ହୈଁ। ଜବ୍ ବି ସମୟ ଆୟା ହୈ हमने देश की अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करने में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है, अपनी क्षमताओं को साबित किया है। त्याग और तितिक्षा हमारे राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा है, लेकिन साथ ही विक्रम और वीरता भी उतना ही हमारे देश के चरित्र का हिस्सा है। आज राज्य मुख्यमंत्री कोविड संक्रमण को नहीं आलोचना करने पूर्व शहीद जवान को श्रद्धांजलि देते प्रधानमंत्री। गत जून 15 तारीख में लद्दाख गलवान घाटी में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रे भारत और चीन सेना मुहांमुही आमर 20 जन जवान शहीद होती। से हीपरि चीन र 40 रु अधिक जवान मृताहत होता सूचना मिली। सीमार एवं भी उत्तेजना लगी रही। ଏଥିପାଇଁ ଘନ ଘନ ବୈଠକ ଚାଲିଛି। ବୁଧବାର ତିନି ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।